हेलो प्यारे बच्चों, तो हम कल क्वेश्चन ले रहे थे। चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एन एरोप्लेन एक हवाई जहाज है, फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट हाइट ऑफ 500 मीटर। क्या मतलब है सर इसका? भाई एक हवाई जहाज है हमारा, ये लो हवाई जहाज बना देता हूँ मैं। क्या बात है, देखिए इस डायग्राम की तारीफ करनी पड़ेगी आपको। कर दी सर, कर दी। ठीक है, हॉरिजॉन्टली उठ रहा है, सीदा ऐसे उठ रहा है। ठीक है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम द एरोप्लेन, फाइंड द रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ऑब्जेक्ट आपने यहाँ से ड्रॉप कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया। तो बेटा एक बात समझो, जब वो ऑब्जेक्ट एरोप्लेन में था तो जितनी वेलोसिटी एरोप्लेन की, वी वेलोसिटी से एरोप्लेन जा रहा, तो ये ऑब्जेक्ट भी तो वी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा होगा। Isn't it? आप कहेंगे हाँ बात तो सर जी सही है, बिल्कुल बात सही है। गलत है? आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। अब कभी कभी हम जब बस से या ट्रेन से जा रहे होते हैं और हम किसी ऑब्जेक्ट को बाहर फेंक देते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए, तो बोतल जो है बाहर से बैठा हुआ जो इंसान देखता है, बोतल ऐसे नहीं गिरती नीचे ड्रॉप, हमें लगता है बस में जो बैठ रहा है, एक्चुअली बोतल ऐसे गिरती है। Isn't it? आप कहेंगे ओ बात तो सही है सर। ठीक है बेटा जी, ओके मास्टर जी। तो वी वेलोसिटी तो ऑब्जेक्ट जो आपने ड्रॉप किया है यहाँ से इस इंसान ने, ठीक है, इस इंसान ने जो ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, थ्रो किया है बाहर, थ्रो इन द सेंस जस्ट रिलीज किया है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी भी वी वेलोसिटी रहेगी इनिशियली। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ इस एरोप्लेन को अगर मैं हटा दूं, केवल मैं समझ लूं कि ये ऑब्जेक्ट है और इसकी वी वेलोसिटी है, बस ऐसा समझ सकते हो, प्लेन को हटा सकते हो। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, इसकी वी वेलोसिटी है, सीधी वेलोसिटी आपने दी है, कितनी वी, कितना 50 मीटर पर सेकंड, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, आप कहेंगे ओके, कितनी हाइट पर रिलीज किया आपने सर जी? 500 मीटर से, 500 मीटर ऊपर से फेंका। पूछ रहा है द रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। रेंज मतलब आपका ऑब्जेक्ट जाएगा कैसा है, एक्चुअल में गिरेगा कैसे यहां से? आप कहेंगे सर ऐसे, तो ऐसे ऐसे नीचे की तरफ वेलोसिटी है, गिरता गिरता आपका कुछ ऐसा जाके गिरेगा, यहाँ पर जमीन पर जाके गिरेगा, इस तरह से कुछ कहानी हो रही होगी। एग्री हो? आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल एग्री है, ऐसे कुछ कहानी होगी। ठीक है बेटा, कहेंगे हाँ गुरु जी बिल्कुल सही बात है, प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, ये आपकी अर्थ सरफेस। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना कितनी देर हवा में रहेगा और कितनी देर, ये रेंज कितनी रहेगी, यहां से जहां से गिरा था यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी रहेगी। आइए देखते हैं बेटा, पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर ले, कोई सभी कैसे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पहले टाइम ऑफ फ्लाइट ही देख लेते हैं। ठीक है, कितनी देर हवा में रहेगा, मैंने आपको क्या बताई थी हिंट, हिंट कहिए या फिर कहिए, आप प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन को आसान बनाने की कहानी को समझिए। भाई हमें 1D अच्छे से आता है, हमें 2D में डिफिकल्टी हो रही है। 1D तो आता है, आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो 1D के हिसाब से हम बात करते हैं। ठीक है सर, कर लीजिए। अब एक बात बताइए मुझे, जब आपने ऑब्जेक्ट को रिलीज किया है इसमें से, क्या आपने नीचे की तरफ कोई वेलोसिटी दी? नीचे की तरफ मतलब सर इधर? हाँ, अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डिवाइड करूँ चीजों को, आप कहेंगे कर लीजिए सर, इधर मैं एक्स, इधर मैं वाई एक्सिस, ये वाली एक्स एक्सिस मान लू, ऊपर की तरफ मान लू वाई एक्सिस। आपने वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में बात करता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी यू? आते हैं सर 50 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी में वाई डैश इनिशियली आपने जस्ट उसको रिलीज किया, नीचे की तरफ वेलोसिटी कुछ भी नहीं दी, वेलोसिटी की तरफ सामने की तरफ थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी जीरो। एग्री? आप कहेंगे एग्री है सर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ एक्स डैश में, यही तो कैलकुलेट करना है, रेंज वाई डैश में डिस्प्लेसमेंट करो, डिस्प्लेसमेंट की बात करो, तो आप कहेंगे सर ये वाई डैश में कितना, इतना यहां से यहां तक आ जाएगा नीचे तक, कितना? आप कहेंगे सर 500 मीटर। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल सर सही है। और देखते हैं एक्सेलरेशन इन एक्स डैश में कुछ है, कोई रोक टोक करने वाला है एक्स एक्स में? आप कहेंगे ना कुछ नहीं सर जी। वाई डैश में एक्सेलरेशन, आप कहेंगे सर जी ऑलवेज है, नीचे की तरफ को फोर्स लग रहा है, कौन सा एक्सेलरेशन? ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, चाहो तो इनके साइन अभी ले सकते हो जिससे आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। जो डिस्प्लेसमेंट है वाई डायरेक्शन में, जहां से आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट को, यहां से देख रहे हो आप एरोप्लेन में बैठे हो, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वाई डायरेक्शन 500 मीटर नीचे गिरेगा, तो आप चाहो तो यहाँ पर माइनस का सिंबल लगा सकते हो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज नीचे की तरफ को, मतलब माइनस जी।
ठीक है बेटा जी, आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर। टाइम कुछ कोई इक्वेशन बन रही है जैसे मैं टाइम निकाल सकूं, आप कहेंगे सर इस वाले में लगा लीजिए कौन सी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर। मेरे पास एस है, मेरे पास यू है, टाइम निकल सकता है यहाँ से। एस कितना है आपने सर? -500 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी आप कहेंगे सर जी जीरो है, वाई में, वाई एक्सिस की बात करूँ, वाई डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ सर। तो आपके y एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है? जीरो। तो ये वाला टर्म तो जीरो हो गया, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर कहिए माइनस का ए, ए कितना, माइनस का जी, माइनस जी बाई टू इंटू टी स्क्वायर। बात सही है गलत है? आप कहेंगे सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, एक माइनस से माइनस को काट देते हैं, ठीक। तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी जाएगी? आप कहेंगे सर 2 से 500 की मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड कर दो, जी कितना होता है, जी के लिए और लो 10, 1 0 से 1 0 आ गया आपका 100। तो टाइम पीरियड कितना आ गया आपका आंसर? √100 मतलब 10 सेकेंड। क्लियर है बेटा जी? आप कहेंगे बिल्कुल सर जी, 10 सेकेंड इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। एक पार्ट हो चुका है टाइम फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। इसमें बच्चों को ना कंफ्यूजन होता है यार, ये एक्स और वाई का क्या से आपका कुछ नहीं है बेटा, तुम एक एक्सिस की बात कर, एक एक्सिस को देख के चलो, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज होने की कतई जरूरत नहीं है। मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अलग अलग एक्सिस बात कर रहा हूँ बस, ठीक है। दूसरा पूछा है रेंज, ये आपने डाटा लिखे रखा है, रेंज कैसे निकाल सकता हूँ भाई? कौन सा फॉर्मूला, रेंज मतलब एस एक्स आपको कैलकुलेट करना, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्स कैलकुलेट करना, कौन सा फॉर्मूला इसको? देखिए v इक्वल टू u प्लस 80 में कहीं आपका रेंज होता नहीं है। दूसरा s इक्वल टू u प्लस हाफ एट स्क्वायर, हाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, आप कहेंगे यार v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, नहीं कुछ कह सकते हैं। तो v थर्ड वाले को छोड़ो, सेकंड वाले को इस्तेमाल करते हैं ना, आप कहेंगे ठीक है सर जी कर लो। तो बेटा s इक्वल टू u प्लस हाफ एट स्क्वायर यूज करते हैं फिर से, इस बार मेरे पास टाइम आ चुका है, ये रहा, इसमें फर्स्ट मान सकते हो आप इसको, तो रेंज विल बी इक्वल टू। अच्छा देखिए इसमें इसमें आसान क्या हो जाएंगी चीजें, इसमें आपका एक्स एक्सिस में लगा रहा हूं मैं, एक्स एक्सिस में ये बातें मैं अब एक्स एक्सिस कर रहा हूँ, यहाँ पर जो बातें की थी मैंने वो वाई एक्सिस की बातें की थी, ठीक है बेटा जी? आप कहेंगे हाँ मास्टर जी ठीक है। तो बेटा यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, एस इक्वल टू यू टी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी सर? 50 की 50 इनिशियल वेलोसिटी, इसी डैश में होती है एक्स डैश में। टाइम कितना लगा इसको? आप कहेंगे सर 10 सेकंड, प्लस 1/2। एक्सेलरेशन कितना सर जी? 0, खत्म हुआ एटम, मर गया। टी स्क्वायर वगैरह कुछ लिखने जरूरत नहीं है, मर गया 0 पर। तो 50 × 10 रेंज आ गया 500 मीटर। मेरे ख्याल से किसी बच्चे को इसमें कोई डिफिकल्टी अब नहीं होनी चाहिए, मैंने कुछ इसमें कोई मैजिक नहीं किया है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने कि उसको क्या किया है, उनको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ब्रेक कर लिया और कुछ नहीं किया है, डन नथिंग अदर दैट, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं वही सब मैंने फॉर्मूले लगाए हैं और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है बेटा जी? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, लिखना चाहते हो लिख लो इसको, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, कंसीडर अ 10 मीटर हाई वॉल ए बी, ए बी से नाम दे दिया उसको, एक दीवार है 10 मीटर ऊंची, 10 मीटर ऊंची मैं यहां पर बना देता हूं दीवार, ये लीजिए 10 मीटर ऊंची दीवार है, ठीक है जी? आप कहेंगे हाँ सर जी ठीक है, ये मजबूत दीवार बना देते हैं, ऐसी कोई दीवार है यहाँ पर 10 मीटर इसकी हाइट है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 20√3, कितनी दूरी पर, यहाँ से कहीं पॉइंट है यहाँ से 20√3 पर आपकी सिचुएटेड है, कितनी दूरी पर, इतने मीटर पर, विद व्हाट मिनिमम वेलोसिटी शुड बी बॉल प्रोजेक्टेड सच दैट इट गोज ओवर द वॉल, कितनी मिनिमम वेलोसिटी से फेंका जाए कि ये आपका इसके ऊपर से निकल जाए, कितनी डिग्री को, 30 डिग्री, ठीक है। देखिए इसमें दो तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो, यू मस्ट बी वेरी केयरफुल कि क्या कर रहे हो आप। एक तो बच्चा ये बात कुछ बच्चों के दिमाग में आएगी, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या दिमाग में आ सकती है आपके, आपके दिमाग में ये आएगी कि यार ये जो दीवार है ना
दीवार जो है मैं इसकी ऐसी जगह पर रखूंगा जहां इसकी मैक्सिमम हाइट हो, और यहां से पास हो रही हो मैक्सिमम हाइट पर आपको पता है बस दीवार को टच करती हुई चली जाएगी। दीवार थोड़ी मोटी बना दी है मैंने, पर आप समझ जाओ चीजों को, है ना, ठीक है। आप इसको सोचोगे आपकी यहाँ से टच करती हुई चली जाएगी, मैक्सिमम हाइट पर यहाँ से पास होगी, ऐसा आप सोच सकते हैं, ये आपके दिमाग में आ सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है। दिस इज नॉट एसेंशियली ट्रू कि ये आपका जहां पर आपका मतलब कुल मिला करके बिल्कुल सेंटर पर रखा हुआ इधर भी 20√3 होगा, ये जरूरी नहीं है सिचुएशन हो। वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, हम नहीं कह सकते कि सदा ही ऐसा हो रहा होगा। तो सर कैसे चेक करें कि ऐसा हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? तो अगर आप याद करो, मैंने आपको आपको पता है कि आपका मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और जबकि रेंज का फॉर्मूला होता है आपका सर यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन g। ये सभी सिचुएशन में एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है कि स्पेशल सिचुएशन में, दे आर एप्लीकेबल एट एवरी एंगल, कोई भी एंगल लो ये ट्रू है बिल्कुल। तो यहां से आपको h और r के बीच में क्या रिलेशन होता है वो पता होना चाहिए। मैं एक रेस को देख, h को अगर मैं डिवाइड कर दूं r से, तो आप देखो u स्क्वायर से स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हो, g से g को कैंसिल आउट कर सकते हो, ऊपर आपका क्या साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, नीचे बचा रहे यहाँ पर 2, ये वाला 2, और आप कुछ क्या साइन 2 थीटा कर सकते हो, 2 साइन थीटा cos थीटा, तो यहां से एक साइन थीटा को कैंसिल कर दीजिए। तो यहां से बेटा हमें मिल रहा है क्या, तो आप कहेंगे सर h बाई r की जो हमें वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 10θ/4, क्योंकि हमने पहले भी किया है, isn't it? आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, h बाई r की वैल्यू आपको मिल रही है 10θ/4, ठीक है, sin थीटा को कौन cos थीटा हो गया 10θ/4, ये सभी के लिए अप्लीकेबल है, दिस इज अप्लीकेबल एवरी टाइम। लेकिन हमें वेरीफाई करना, अगर आप उस अप्रोच सोच रहे हो ना कि यानी मैक्सिमम हाइट से पास हो रहा है, तो आपको पहले ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये बात सही हो रही है कि नहीं। हाइट कितनी है, आप कहेंगे 10 मीटर, ठीक है 10 मीटर लिख दो। रेंज ये वेरीफाई करके देखना पड़ेगा कि हमारी आपके बात सही है, वो गलत सही है हो रही है कि गलत हो रही है। रेंज को भी फिलहाल मैं आर रख लूं, यहां से तो रेंज आपको दिखाई पड़ रही है, अगर ऐसा होता है तो जो आप सोच के चल रहे हो 40√3 आनी चाहिए, है ना, 10θ कितनी थीटा आपने वो क्या है थ्रो किया आप सर 10θ से 10θ/4, तो कितनी यहाँ से 10θ के लिए 1/√3 × 4, तो रेंज कितनी आ रही है 40√3, बिल्कुल सही आ रही है। जो आप सोच रहे थे कि शायद ऐसी सिचुएशन हो, बिल्कुल सही है। यहाँ तो आपने जो सोचा है ना इस तरह से तो बात बन जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि हर केस में ऐसा हो, जरूरी नहीं है कि ऐसा हर केस में हो। गेटिंग अ पॉइंट, अगर आपको पता लग गया कि अच्छा ऐसी सिचुएशन है, ये कहाँ पर रखा, बिल्कुल सेंटर पर रखा हुआ है, उस पॉइंट से पास हो रहा है जहां पर मैक्सिमम हाइट वाला हिस्सा है, उसी पॉइंट से अगर ये पास हो रहा है, तो अब तो आप बहुत आसान नसीचे आप तो। कैसे सर, कैसे आसान है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा लो, चाहे रेंज का फॉर्मूला किसी का भी लगा लो तो हो जाएगा। इनिशियल वैल्यू मिल चुकी है आपको, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा लो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, आपका यू आ जाएगा। हाइट कितनी है 10 गुना ये 2 में इधर जाकर 2 से मल्टीप्लाई होगी, जी की वैल्यू 10 डिवाइड बाय कितना साइन स्क्वायर थीटा, साइन 30 कितना होता है 30, साइन 30 कितना था 1/2, उसका स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया आपका आ गया इक्वल टू यू स्क्वायर, ठीक है। सीधी कैलकुलेशन कर दिया मैंने, इसको ले गया हूँ साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया 1/4, ऊपर चला गया 4, यू की वैल्यू कितनी आ गई 1 10, 2 10 में से 1 10 ले लिया, 4 में से 2 ले लिया, और 20√2 आ गया। लेकिन प्लीज बच्चों, जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें वही समझने वाली है। मैं ये कहूंगा कि ये अगर ऐसा है, ये सिचुएशन जो हो रही है यहाँ पर ये ट्रू हो गई है, तब आप इसको लगा पाए हो। जरूरी नहीं है कि आप सीधा इस क्वेश्चन को उठाओ, इसको इसको वेरीफाई किए राइट साइड को, आप सोचो कि इसको अप्लाई कर दूं मैं तो गलत कर बैठा क्वेश्चन, ठीक है। मेरी तरफ देख लो, मैं क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसे को थोड़ा अच्छा समझ लेते हैं। देखो बेटा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, देखो ऐसा हो सकता है अपने प्रोजेक्टाइल इधर देखो बेटा, प्रोजेक्ट की आपकी दीवार है बीच की, या ये मान लो ये आपकी दीवार खड़ी है बीच में, आपने पार्टिकल यहां देख लिया, अगर बिल्कुल सिमेट्रिक है
ये आपका रेंज, यहां से पार्टिकल उछला और यहां पर आ गया, बिल्कुल इसके बीच में है ये 10 मीटर की दीवार, तब तो आपकी बात सही है। लेकिन किसने कहा कि बिल्कुल बीच में, हम वी डोंट नो। अभी आपने तो वेरीफाई करके देखा तब अपने यूज पर बच्चे क्या गड़बड़ कर सकते हैं, आप लोग क्या गड़बड़ कर सकते हो वो भी सुन लो। दीवार सपोज करो यहाँ होती, ठीक है, और आपको बता देता कि भाई आपको इतने डिग्री पर ही थ्रो करना है, और आप ला के बैठ गए यू स्क्वायर, अपना मैक्सिमम हाइट आप सोच के बैठ जाती तो गलत हो जाता। पार्टिकल इस बार क्या जा रहा होगा, यहाँ, मतलब यहां से और ऊपर जाएगा तब जा गिरेगा। बात समझ में आई क्या गड़बड़ हो सकती है? तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट। तो सर हमें दो बार वेरीफाई करके तभी आंसर आएगा? नहीं, आप इसके लिए एक चीज अप्लाई कर सकते हो। क्या कर सकते हैं? सर हमें ये वेरीफाई नहीं किया तो गड़बड़ कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकती है। तो सर कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा कि हमें वेरीफाई भी ना करना पड़े और आंसर सही आ जाए? तो हाँ, उसके लिए तरीका है कुछ, बिल्कुल है। तो बता देते हैं क्या है, थोड़ा छोटा कर देते हैं क्वेश्चन को। हाँ सर जी, ये तो बहुत लंबा सा है, हमारे दिमाग में नहीं आया वेरीफाई करने का, तो हम तो गलत कर बैठेंगे। एग्जाम में वैसे प्रेशर रहता है दिमाग के ऊपर, पर हम वेरीफाई नहीं करेंगे। हम पे आपको भरोसा हो गई पूरा? हाँ भरोसा तो बेटा पूरा है, नहीं करेंगे हम वेरीफाई सर। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा छोटा कर दो ना सर क्वेश्चन, कर रहे हैं बेटा। एक तो ये तरीके से आप कर सकते हो, बिल्कुल मास्टर जी। दूसरा तरीका बेटा, आप ये अप्लाई कर सकते हो, ये चीज अप्लाई कर सकते हो। हाँ हाँ बताइए सर। देखो आप ये कहीं भी हो, अब ये सब जगह पर एप्लीकेबल, जो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, दिस इज एप्लीकेबल टू एवरीवेयर। पक्का मास्टर जी? अरे बिल्कुल पक्का है, भरोसा रख चिंटू तुम मुझे सर, भरोसा तो आप पे है थोड़ा थोड़ा, पापी इंसान है बेटा चिंटू तो। थैंक यू सर, आप मेरे को पापी का है बोलते सर? बेटा क्योंकि तुम पापी हो। ये देखो दूसरा तरीका क्या है बेटा, एक बात समझो, अगर क्या आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जानते हो? आप कौन से कैसे इस दीवार के ऊपर से आप जहां से जा रहे हो, डिनोदी कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, अगर मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लो इस तरह से कुछ, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो पार्टिकल आपका बिल्कुल जस्ट इस दीवार से जस्ट टच होता हुआ जा रहा है, मतलब बिल्कुल जस्ट उसको लीव करता हुआ। क्या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है? आप कहेंगे सर कोऑर्डिनेट तो ऐसे लेके जाते हैं एक्स को में वाई, मैथ्स में ऐसे लेके जाते हैं, बिल्कुल हाँ वही पूछ रहा हूँ मैं। तो आपको पता है ये डिस्टेंस कितनी, ये एक्स है, ये सर कितना है? आप कहेंगे सर 20√3। हाइट ये वाली वाई एक्सिस पर कितना, ये कितना? सर ये भी पता है 10। कोऑर्डिनेट पता है मतलब एक्स और वाई पता है? कहेंगे बिल्कुल सर, आसान सी कहानी है। ये अगर पता है तो आपको फिर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी भी पता है, क्या होती है एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। याद आया कुछ? आप कहेंगे हाँ सर याद है, लिख सकते हो? आप कहेंगे सर जी ये वाली थोड़ी डिफिकल्ट रहती है ना, जो आप लोगों ने थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछी भी थी, बताई थी ना मैंने आपको, हमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ये रही एक्स टेन थीटा जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो आपको अगर सर ये थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है, हमें याद नहीं रहती, हमें याद कौन सी रहती है एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स वाई आर। बट बेटा जी यहाँ पर हमारे पास रेंज नहीं है, और गलती से आप उठा के इसको डबल नहीं कर सकते कब तक, जब तक आपको पता ना हो कि ये वही सिचुएशन हो रही जो ऊपर वेरीफाई की, तो इसको नहीं। दूसरा अगर हमें रेंज दी होती तो फिर चीज आसान हो जाती, रेंज नहीं दे रखी हमें, और रेंज को कैलकुलेट करने के लिए वेलोसिटी का स्क्वायर हमें चाहिए होता है, ना ही हमें पता कि ये मैक्सिमम हाइट से पास हो रहा है। ठीक, आप कहेंगे हाँ ये बात तो सही है। तो अब बेटा ये प्रोजेक्टाइल अगर इस रास्ते से जा रहा है तो इस इन कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेगा, कौन से कोऑर्डिनेट को, एक्स कम वाई को, वाई इस वाले पॉइंट को 20√3 डिवाइड बाई और 10 को, इनको वेरीफाई करेगा कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल, वाई की वैल्यू कितनी रख लो 10 रख लो सर, वाई की वैल्यू कितनी रख लो 10 रख लो, इक्वल टू एक्स टेन थीटा, 10 कितना 30, माइनस जी की वैल्यू 10 एक्स स्क्वायर, एक्स कितना 20√3 का स्क्वायर, तो 20 × 20√3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 2 × u² सर जी नहीं पता, ये तो कैलकुलेट करना, इंटू कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थर्ड कोस 30, कोस 30 होता सर जी √3/2, स्क्वायर करोगे तो 3/4 4 चला जाएगा ऊपर। ठीक है बेटा जी, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है, और ये x x की जगह पे रखिए कितना 20√3, कैलकुलेट कर लीजिए u की वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। बड़ी डिफिकल्ट लग रही है देखने वाले, डिफिकल्ट दिखने में लग रही है, नहीं पक्का? अरे बिल्कुल पक्का, 3 से 3 को कटता पुट्टा कर दो सर जी, और कर सकता हूँ 2 × 2
चार और कुछ आप कहेंगे, 10 × 20 20 और 20, 20 का क्यूब हो गया, बोल सकता हूं ना, 1 20 1 20 1 20, इस दो के, इस वाले दो के इससे 10 से मल्टीप्लाई कर दे, 20 का क्यूब मल्टीप्लाई पे ये स्क्वायर आ जाएगा इस वाले हिस्से का। अच्छा √3 10 √10 30 कितना था, 1/√3, तो ये और ये कट जाएगा, तो 20 − 20 का क्यूब अपॉन यू क्यूब यू स्क्वायर इसका इक्वल टू 10, इसको इधर ले जाओ, इसको 10 में से 20 में से 10 गया, 10 इक्वल टू 20 का क्यूब अपॉन यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 20 का क्यूब अपॉन 10, स्क्वायर हटा दीजिए रूट ले लो, तो कितना 20 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 20, नीचे 10, 10 × 20, तो 20√2 यहां से आ जाएगा। ठीक है, आई विल सजेस्ट अगेन, आई रिपीट, आई विल सजेस्ट टू यूज दिस मेथड, आप पुराने वाले को पहले वेरीफाई करें तब जाएं, अदरवाइज आप गड़बड़ कर सकते हैं, अगर वो दीवार बिल्कुल बीच में नहीं हुई ना तो कच्चा खा बैठोगे, गड़बड़ कर बैठोगे। ये बिल्कुल ऐसी ही कहानी है। हाँ, कैसी कहानी है सर, ये बिल्कुल जो दीवार की कहानी है ये बिल्कुल बॉयज हॉस्टल की कहानी है। कैसे सर, बॉयज हॉस्टल की कहानी, बॉयज हॉस्टल में क्या होता है जनरली, ऐसे बाथरूम जो होते हैं ऐसे इस तरह से, इधर से ऐसे बने हुए होते हैं, यहाँ पर बीच में दीवारें रहती हैं और दीवार के ऊपर गैप रहता है जनरली, तो क्या करते हैं वो, इधर से कोई नहा रहा, ओए अपना तोले दे दिए, मैं पेस्ट्री लेकर आया, तो इधर से उछाल के फेंक के मार रहा है, ये ले, कौन से बाथरूम में, तू इधर से, अरे चौथे वाले नंबर के बाथरूम, मैं दूसरे वाले में हूँ, 1 2 3 4 दोस्त एक चौथे में है एक दूसरे में, अरे चौथे वाले में हूँ, अच्छा तो यहाँ से फेंकना, ये ले, अगर तीसरे वाले में है तो फिर मैक्सिमम हाइट वाली सिचुएशन आ जाएगी, समझ में आ गई बात, बिल्कुल कुछ कुछ कहानी ऐसी है। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है, या फिर आप ऐसे सोच सकते हो वॉलीबॉल खेल रहे हो, बैडमिंटन खेल रहे हो, नेट लगा, उनकी भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही समझ सकते हो। गेटिंग अ पॉइंट, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, कुछ समझ ना आया तो आप मुझसे बिंदास होकर पूछ सकते हैं, और समझ में आ गया तो लिख लीजिए, और जो मैंने आपको छोटी छोटी बताई है कौन सा फॉर्मूला कहां सिचुएशन फंस सकती है यहां पर, उस बात को आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, पार्टिकल मूव्स इन 2D मोशन सच दैट इट्स पोजीशन डिपेंड ऑन द टाइम, टाइम के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पूछ रहा है वेलोसिटी बतानी है आपको टाइम टू इक्वल टू 2 सेकंड पर, तो कैसे कर सकते हैं, पहले इसकी वेलोसिटी देख लो एक्स एक्सिस में कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट इतना है +2t + 3, तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितनी होगी, vx/dt इक्वल टू 4 × 8t + 2, t इक्वल टू 2 पर देखना 2 रख लो, 8 × 2 + 2 8 × 16 = 18, ठीक है, आप कहेंगे हाँ सर जी ठीक ही है। अच्छा इसी तरह से y एक्सिस में देख लो 5t + 7, तो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितनी आ जाएगी, ये क्या है वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, ये क्या आ जाएगी वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितनी आ जाएगी, dy/dt कितनी, 5 बचेगा, टाइम का किसी में रोल बचता नहीं है, तो आप ऐसे कह सकते हो जो वेलोसिटी है आपकी वो कितनी आ गई 18i + 5j, नेट वेलोसिटी हमसे रूट में दे रखा है, तो उसको मैंने छोटी पूछा 18 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर होता है 324, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो कितना आ गया 5 × 4 = 9, 2 × 4 = 3, √349, ठीक है √349 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा बेटा एक पार्टिकल है स्टार्ट अलोंग y एक्सिस इन सच अ वे दैट इट्स वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन रिमेंस कांस्टेंट, और कांस्टेंट कितनी है वो दे रखी है आपको, ठीक है कितनी है y डायरेक्शन वेलोसिटी आपकी गिवन है वो मीटर पर सेकंड है, has an acceleration x direction में, आपका acceleration कितना ये रहा, next direction find the velocity vector of particle at, और particle start हो रहा है, ठीक है आप कहेंगे ठीक है सर जी, तो कैसे कर सकते हैं चिंटू मिंटू, हमें x direction में हमें acceleration given है, x direction acceleration कितना आपका सर जी 3t + 2, अगर मैं velocity भी calculate कर लूँ x direction में तो आंसर हो चुका है मेरा, आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो इसको मैं dv/dt लिख सकता है एक्सेलरेशन को, आप कहेंगे x डायरेक्शन में बात कर रहा हूं मैं,
इक्वल टू थ्री प्लस टी प्लस टू, ये एक्सलेशन को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो डी वी बाई इसको थ्री टी प्लस टू हो जाएगा डी टी, ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल सर, इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है, यस सर, तो इसको इंटीग्रेट कर लें तो कितना आ जाएगा आपका थ्री टी स्क्वायर बाई टू प्लस टू टी, एग्री, आप कहेंगे ओ बिल्कुल सर जी, कहां से कहां था, जीरो से लेकर टी टाइम तक, इसकी वेलोसिटी स्टार्ट हुआ है ये भी पार्टिकल स्टार्ट, ठीक है, ओके सर जी, और एक्सेलेरेशन आपका दे रखा, तो ये कहीं कहां से चलेगी वेलोसिटी, जीरो से लेकर जो भी आपकी फाइनल वेलोसिटी वी एक्स मान लेते हैं, ये होगी, और ये आपका जीरो से लेकर टी तक आपका इंटीग्रेट हो ही चुका है, वैसे समझ लो, तो थ्री बाई टू टी स्क्वायर प्लस टू टी, ठीक है, कब पूछा है, एट टी इक्वल टू टू सेकंड, रख लो टी की वैल्यू टू सेकंड, थ्री बाई टू इंटू टू का स्क्वायर फोर प्लस टू इंटू टू, तो दो दूनी चार, दो टी छह प्लस चार दस, ये किधर है, एक्स एक्सिस में, वेलोसिटी कितनी, एक्स एक्सिस में कितनी है, दस, तो टेन तो हो गया आई, जब ये एक्स एक्सिस में है, जैसे वेलोसिटी एक्स एक्सिस, दूसरा उसमें कितना, तो उसमें तो फिक्स है कितनी है टू जी, वैसे में तो टू है ही फिक्स है, and the other fires upward at an angle of 60 degree with the horizontal. पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, कहानी क्या है, एक हिल है, पहाड़ है, ठीक है, चाइना और इंडिया का झगड़ा हो गया है किसी बात को लेकर के, आप यहाँ पर बंदूक ले खड़े हो, आपने अपनी तोप यहाँ पर इंस्टॉल कर दी है, टिंग टिंग, ठीक है, दो 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 तोप लगा दी, दो गन लगा दी, एक इधर और एक इधर, इस डायग्राम को थोड़ा सुंदर सा अच्छा बना लेते हैं, ये पहाड़ के ऊपर आप यहाँ बैठे हो, आपका बेस है इधर, और एक तोप का मुंह है इधर हॉरिजॉन्टली, ठीक है, और दूसरी तोप का मुंह है इधर 60 डिग्री, ठीक है, वन गन फायर हॉरिजॉन्टली, ये गन नंबर वन है नीचे वाली, और ये गन नंबर टू है ऊपर वाली, ठीक है, दोनों सेम स्पीड से थ्रो कर रहे हैं, ठीक, ओके, द शॉट कोलाइड इन एयर एट पॉइंट पी, अच्छा होगा कैसा, जाएगा कैसा, इसका प्रोजेक्टाइल कैसा होगा, आप कहेंगे ये जाएगा ऐसे सीधा सीधा तो जाएगा, ऐसे गिरता चल जाएगा, गिरता 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 जाके कहीं यहाँ पर जाके हिट करेगा, जमीन की तरफ जा रहा होगा, लेकिन इसने कहा कि भैया दोनों कोलाइड हुए एट इन एयर एट पॉइंट पी, और दूसरा वाला जो ऊपर वाली गन है इसका प्रोजेक्टाइल ऐसा ऊपर जाएगा भले थोड़ा, तो फिर गिरेगा, फिर जहां कर यहां पर हिट करेगा, ठीक है, पूछा द टाइम इंटरवल बिटवीन द फायरिंग, इन दोनों टाइम जितनी देर में एक ने दूसरे भाई एक को पहले फायर करो एक को दूसरे को, तभी ये टकराना पॉसिबल है, अगर आप दोनों को एक साथ फायर कर दो तो टकराएंगे नहीं कभी, ये तो बात कंफर्म है एकदम, भाई एक तो सीधा नीचे की तरफ चलने आ रहा, पहले वाला यहां जाएगा ऊपर और फिर जाकर नीचे की तरफ गिरेगा, ऑब्वियसली टकराएगा नहीं पहले, ये वाला पहले गिर जाएगा, है ना, आप कहेंगे हाँ सर ये तो बात सही है, ठीक है बेटा जी, तो पक्की बात है, अच्छा अगर इसमें भी आपको किसी को कंफ्यूजन है कि सर कौन से वाला पहले होगा कौन से वाला बाद में होगा, तो आप ऐसे सोच सकते हैं दोनों की वेलोसिटी v है, v से आपने इसको फायर किया, v से जो की वैल्यू दे रखी है आपने, जो की वेलोसिटी कितनी, फाइव रूट थ्री की वन है, फिलहाल मैं इसकी वेलोसिटी v नहीं u मान लेते, इनिशियल वेलोसिटी u, ये भी इसकी वेलोसिटी u है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो भाई इसके पास नीचे वाली के पास जो है पूरी पूरी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक, आप कहेंगे बिल्कुल सर, अच्छा ये वाला 60 डिग्री पर एंगल है 60, इसको अगर मैं दो हिस्सों में ब्रेक कर लूं, इसको मैं दो डायरेक्शन में इसको ब्रेक कर लूं दो हिस्सों में, तो पक्की बात है ये वाला जो कंपोनेंट है जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है ऊपर वाली बड़े वाली मतलब ये ग्रीन वाली गन का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है कितना होगा, आप कहेंगे यू कॉस 60 और ऊपर वाला कितना हुआ यू साइन 60, इन दोनों कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है,
तो बेटा इसके पास कंपोनेंट कितना u cos 60, cos 60 कितना होता है 1 by 2 यानी u by 2 है plus velocity horizontal, एक पार्टिकल आपका u by 2 से जा रहा है, दूसरा पार्टिकल u से जा रहा है, कौन सा पहले पहुंचेगा? obviously सर u वाला पहले पहुंच जाएगा, हाँ कि ना? आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो पहले गन कौन सी छोड़ी जाए कि वो टकरा जाए, फर्स्ट की सेकंड, सेकंड है ऊपर वाली, फर्स्ट है नीचे वाली, तो आंसर होगा सर सेकंड वाली को पहले छोड़ दो, सेकंड वाली जो गन है गन से पहले शॉट होगा, पहले शॉट किसका होगा? सेकंड वाली गन से, जिसका मुंह ऊपर की तरफ है, ये कुछ देर में यहां तक जब नीचे की तरफ पहुंच रहा होगा तब इससे शॉट होगा, गेट अ पॉइंट? तो जिसकी वेलोसिटी कम है भाई उसी से तो पहले फेंकोगे, दूसरे वाले तो जाकर तो पकड़ लेगी उसको, अगर तुम चाहते हो आप दौड़ रहे हो, दो बच्चे दो आप के आप और आपको छोटा भाई चिंटू है, आप चाहते हो कि हम दोनों दौड़ करके घर सेम टाइम पर पहुंचे, ठीक है, आप तेज दौड़ सकते हो उससे जबकि आप वो उतना तेज नहीं दौड़ सकता, तो आप क्या कहोगे ठीक है पहले तू दौड़ बाद में मैं दौड़ता हूँ थोड़ा पीछे से, ठीक है पहले उसको जाने दोगे, पहले गन जो है जिसकी वेलोसिटी कम है उसको जाने दोगे, पहले उसको शॉट करोगे, जैसे वाले को ऊपर वाले ऊपर वाला जो गन है इसके कंपोनेंट इसका हाफ यू बाई टू कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल में, इसको आपने कहा कि जा तू जा, ठीक है, और दूसरी बार इसने क्या कहा कि द शॉट द टाइम इंटरवल, इसने कहा कि जा जो यहाँ पे टेकिंग टॉप ऑफ द हिल एज द ओरिजिन, तो जिस जगह से हम इसको फायर कर रहे हैं इस जगह को आप मान सकते हैं ओरिजिन जीरो जीरो, जिस जगह से आप फायर कर रहे हो जहां पर आप चोटी पर चढ़ के बैठे हो, ठीक है, दोनों चीजें पूछ रहे हैं टाइम इंटरवल बिटवीन द फायरिंग्स, पहले तो टाइम इंटरवल की बात करते हैं, पहले क्या क्या कहानी होगी, देखिए जहां भी जाके कोलाइड हो रहे हैं, कोलाइड मतलब टकरा रहे हैं दोनों, मान लेता हूं मैं एक्स कोमा वाई पर जाकर टकरा रहे हैं, ठीक है, तो इस जगह पर चाहे वो पहले वाली गन हो चाहे वो दूसरे वाली, सेम एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो चुका होगा उस टाइम पर जिस टाइम टकराई है, और सेम ही वाई डायरेक्शन में दोनों के लिए, बात अलग है, एक ऊपर घूम के आई एक ऊपर जाके नहीं आई है, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट तो सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन का भूखा होता है बेटा, उसका रास्ते से कोई लेन देना नहीं होता है, एग्री? आप कहेंगे बिल्कुल एग्री, आपको ये बात समझ में आ गई, सेकंड वाली गन जो जो 60 डिग्री पर है, सेकंड वाली मतलब 60 डिग्री पर उठा रखे ऊपर, उसको पहले शॉट किया, एग्री? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, सपोज लेट आपने इसको फायर कर दिया ऊपर वाली गन को, सेकंड यानी सेकंड मतलब 60 डिग्री वाली, 60 डिग्री वाली गन फायर्ड, फायर कर दी एंड रीच एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पर पहुंच जाती है, ये पॉइंट पी है, कब? एट मान लो इक्वल टू कैपिटल टी पर मान लेता हूं, यहां पर ही कोलाइड हो रहे हैं, एग्री बेटा जी? आप कहेंगे ठीक ठीक है सर जी, एग्री एग्री हो पूरी तरह? आप कहेंगे बिल्कुल एग्री है सर, अच्छा जी, तो ये जो कोऑर्डिनेट होंगे यहां पर जो नीचे आ रहा है ये तो क्या पता नीचे मिलेंगे ऑब्वियसली, ठीक है, तो इसमें आपका एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव रहेगा, वाई का कोऑर्डिनेट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा, बट ठीक है हम मैनेज कर लेंगे चीजों को, नेगेटिव पॉजिटिव को वी विल मैनेज, वी कैन मैनेज इजीली मैनेज, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना रहेगा? आप कहेंगे सर एक्स कोऑर्डिनेट कितना रहेगा? हाँ भाई टी टाइम बाद मिल रहे हो, ऊपर वाली गन जो है सेकंड वाली गन इसका एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स की बात कर रहा हूं मैं, तो आप कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा लो एक्स एक्सिस में, कौन सा फॉर्मूला लगाए? इक्वल टू यू प्लस एटी लगा, एस इक्वल टू यू प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लगा लो सर, क्या दिक्कत है, मैं तो कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हैं आप कहेंगे बिल्कुल सर, एक्स एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितना आप मान लेते हैं एक्स, ये यहाँ से यहाँ तक जो है एक्स चला पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट पर पहुंच जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? आप कहेंगे सर जो वेलोसिटी थी उसकी आधी थी, यू कॉस 60, ये है इनटू कैपिटल टी लिख लेता हूँ जितने टाइम में वहां तक पहुंचा हूँ, प्लस वन अपॉन टू, बताइए क्या एक्सेलरेशन है कुछ भी एक्स एक्सिस में? आप कहेंगे नहीं कोई एक्सेलरेशन नहीं, इसको गोली मारो खत्म, हाँ कि ना, बताइए किसी बच्चे को यहाँ तक डाउट डिफिकल्टी कोई? मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक्स एक्सिस में आपका डिस्प्लेसमेंट होगा इट विल बी दिस, एग्री हो? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल एग्री है, कोई कोई परेशानी वाली बात मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में नहीं है, ठीक? आप कहेंगे बिल्कुल सर जी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है,
क्या हमें यू पता है? आप कहेंगे बिल्कुल पता है सर। क्या हमें टाइम पता? नहीं सर, टाइम नहीं पता। ठीक, तो एक्स इक्वल टू मैं लिख लेता हूँ, यू की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे सर 5√3 की बनती है। cos 60 कितना होता है? आप कहेंगे 1/2 होता है इनटू टी। तो कैसे ले सकते हैं 5√3/2t। इतना आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, अभी टाइम की वैल्यू में नहीं पता है। ठीक, आप कहेंगे ठीक है सर। अच्छा, जो फर्स्ट वाली गन है, नीचे वाली गन, उसकी वेलोसिटी एक्स कोऑर्डिनेट में थोड़ी ज्यादा है, इजंट इट? तो उसको आप बाद में फायर करें। सपोज गन फर्स्ट, पहले वाली जो गन है, इज फायर्ड आफ्टर टाइम टी नॉट, मान लेता हूं इतनी देर बाद छोड़ी गई। टी नॉट की वैल्यू 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड वट एवर भी, 2 सेकंड टी नॉट हमें कैलकुलेट करना है, हमारा टास्क के लिए टी नॉट कैलकुलेट करना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके लिए इक्वेशन लिख लें दूसरे वाली के लिए। आप कहेंगे सर जी लिख लीजिए। लिख सकते हैं कि नहीं? कहेंगे बिल्कुल लिखो सर, हमने कब मना किया लिखने के लिए। चलिए उसके लिखते हैं, एक्स एक्सिस में लिखते हैं। एक्स एक्सिस में क्या, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर ही होता है फॉर्मूला। आप कहेंगे बिल्कुल सर। क्या आपने एक्स एक्सिस में वेलोसिटी दी है? आप कहेंगे हाँ दी है सर। ये कितना चला होगा, एक्स ही चल चुका होगा, एक्स कदम राइट साइड में, बिल्कुल सर, दोनों को एक्स एक्सिस में तो वही होगा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी थी? आप कहेंगे सर पूरी की पूरी वेलोसिटी इधर ही है हमारी, तो यू ही जिसको आपने 5√3 कहा है, पूरी पूरी वेलोसिटी फर्स्ट वाले की वही है। कितने टाइम में पहुंची? जितना बड़े वाले सेकंड वाले लिया है उसका, उससे टी नॉट कम टाइम में। अरे हाँ कि ना, बताओ, सोचो जरा, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हम भाई? अगर ये 2 सेकंड में पहुंच रही है तो 2 में से जितना टाइम कुछ देर बाद इसको फायर किया, तो 2 में से जो फायर किया जितनी देर बाद किया उतना टाइम इसको लगा चलने के लिए। बताइए कोई दिक्कत यहां तक? Are you agree with this thing or not? इसी बच्चे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, अदरवाइज मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। क्लियर है बेटा जी? बेटा जी, बेटा जी, मेरे ख्याल से क्लियर है। इसके पास जितनी वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस में है, और ये रही है वेलोसिटी, एक्स इक्वल टू 5√3t − t0। क्लियर, क्लियर, आई थिंक इट इज वेल क्लियर टू यू। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आई गेस। ठीक है बेटा जी, आप कहेंगे ठीक सी ही लग रही है सर। एक इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है बेटा जी, और इसको मान लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर, इसमें कुछ कर सकते हैं क्या हम क्वेश्चन नंबर, इसको मैं 2 मानूं तो इसमें कुछ, कैन वी डू समथिंग इन दिस? क्या लगता है, किसी चीज की वैल्यू कैलकुलेट हो पाएगी? तो एक्स को मैं अगर हटा दू तो टी, और टी को टी नॉट के टर्म्स में मुझे मिल जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना। एग्री कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर, जितना हो सकता है उतना तो कोशिश करो। डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड 1/2, 1 को डिवाइड कर देते हैं सेकंड से, तो एक्स से एक्स मर गया, तो 1 = 5√3/2 × t / 5√3, ये भी मर जाएगा। 5√3 से 5√3, 1 को डिवाइड करें 2 से, तो 1/2, और ये वाला ऊपर रहेगा t, और नीचे आ जाएगा आपका t − t0। तो अभी हमें बात शायद नहीं बनी है, नहीं बनी है। तो 2 × t − t0 = आपका कैपिटल T। ठीक है, तो 2t − 2t0 = T, तो इसको आप इधर ले आइए, इसको ले T = 2 × t0। ये टी नॉट हमें कैलकुलेट करना है, ये आगे हमारी क्वेश्चन नंबर 3। टी नॉट हमें कैलकुलेट करना जिसमें पूछा गया है, टी हमारा क्या है, जितने देर बाद आपका पार्टिकल टकराया है, कौन से वाली? तो आपका ऊपर वाली जिसका मुंह ऊपर की तरफ जिसका मुंह उसका पार्टिकल। अभी बात नहीं बनी है, अभी तक अभी चीजें चल ही रही हैं। अभी और क्या सोचते हैं हम, जरा थोड़ी वाई एक्सिस की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम वाई एक्सिस के लिए। टॉप नंबर 1 और टॉप नंबर 2 दोनों के लिए करेंगे। टॉप नंबर यानी कि गन 1 की बात करते हैं पहले। गन 1 कौन सी? जो सीधी आपने फायर की है। ठीक, वाई एक्सिस में जहां पर कोलाइड कर रही है, तो वाई एक्सिस में, या 2 की बात कर ले पहले सर जी, पहले 2 की आपने वहां पर कही थी, 2 की बात कर लो, गन नंबर 2 की बात कर लो। ठीक, गन नंबर 2 की, तो
आपने गन नंबर टू को 60 डिग्री पर आपने प्रोजेक्ट किया है। इसका एक कंपोनेंट यू का एक कंपोनेंट तो इधर था कोस वाला, कोस 60 वाला, और दूसरा वाला कंपोनेंट था यू साइन 60 वाला ऊपर की तरफ। यू की वैल्यू 5√3 है। ये वाला घूम फिर के यहाँ पर आ जाएगा, है ना, मतलब कुल मिलाकर के यहाँ से नीचे की तरफ वाई एक्सिस में इतना आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट है उसका। तो बात कर लेते हैं वाई कितना हो जाएगा, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको सर, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर होता है, फिर से एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, और फिर से मैं बात कर रहा हूँ वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में कितना चला, उसको कोऑर्डिनेट हमें वाई ही माना है, माइनस वाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितना इनिशियल वैल्यू थी कुछ, आप कहेंगे हाँ, किधर थी, ऊपर नीचे, आप कहेंगे सर जी ऊपर दी थी, एग्री हो कि नहीं, आप कहेंगे हाँ सर जी ऊपर दी थी, ऊपर दी थी, कितनी दी थी, यू साइन 60, ये पॉजिटिव लोगे आप, पॉजिटिव नेगेटिव का बहुत केयरफुल रहना है इस बारे में। तो कितनी थी, 5√3, और साइन 60 होता है √3/2 प्लस कहिए या माइनस कहिए, माइनस ही लेंगे बाय द वे, 1/2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आपका एक्सेलरेशन है कितना, आप कहेंगे जी 10, माइनस सिंबल क्यों लगा है, नीचे की तरफ है, टाइम का स्क्वायर यहाँ पर कैपिटल टी, और यहाँ पर भी कैपिटल टी का स्क्वायर। बताइए किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट, मेरी बात समझ में आई, वाई एक्सिस में लगा रहा हूं मैं, क्या मैंने लगाया, बात समझ में आ गई है, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है। किसी बच्चे को डिफिकल्टी यहाँ तक, यहाँ पर 5 × 15/2 हो जाएगा, और हमारे पास टी की टी नॉट के टर्म्स में वैल्यू, लेकिन उससे कुछ फायदा भी नहीं होने वाला है। 5 × 3 15 हो जाएगा, 15/2 × t − 5t2। अभी वहीं पर रोक कर रखते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 4 लिख लेते हैं, ठीक है। अभी फिर से मैं y एक्सिस में लगा रहा हूँ गन नंबर 1 के लिए, वही कहानी, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर। एस कितना, y एक्सिस में बात करूं, y ही चला, माइनस y भी कह सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको आप चाहो उसे नीचे की तरफ मिलेंगे, ये लो माइनस लगा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी, जब आपने गन को सीधा डायरेक्ट किया है तो y एक्सिस में तो कोई वेलोसिटी आपने दी ही नहीं सर, कोई वेलोसिटी दी क्या y एक्सिस में, आप कहेंगे नहीं सर वेलोसिटी को दी नहीं। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0 प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना, g कितना, −10/2 × t2। अच्छा टी, अब टी की बात करते हैं, टी कितना, हमने कुछ देर बाद छोड़ा, कितनी देर बाद, t − t0। बात समझ में आई, कुछ तो बात समझ में आ गई होगी, आई गेस, यस और नो, आप कहेंगे हाँ सर जी कुछ तो बात समझ में आ गई है। क्या मैं इन तीन इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, इनसे मैं टी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ? मुझे लगता है बिल्कुल कर सकते हैं भाई। इनको मैं एक्टिवेट इक्वल रख लो दोनों को, आप कहेंगे हाँ रख लो सर, तो 2 × 5 = 10, 5 जाएगा, 5t − t0² - का वैल्यू इक्वल टू इक्वेशन नंबर 5, और 4 के इक्वल टू लिख सकता हूँ 15/2 − 15/2 t − 5t², ठीक है बेटा जी, आप कहेंगे बिल्कुल सर यहाँ तो ठीक है। और देखो यहाँ पर इक्वेशन जो थर्ड बनाई थी आपने, चाहो तो यहाँ से टी की वैल्यू 2t नोट रख दो, जैसे आपको ठीक लगे, नहीं ठीक लगा तो ये देखो, ये यहाँ से इसके लिए t − t0 वैल्यू कितनी रख सकते हो, t/2 रख सकते हो, −5 इसके वैल्यू में t/2 रख सकता हूँ कि नहीं, कैपिटल टी में है ज्यादातर चीजें तो कैपिटल टी ही रख लेता हूँ, कैपिटल टी निकाल लेता हूँ, उससे स्मॉल टी भी निकल जाएगा, मतलब t नोट भी निकल जाएगा, तो −5t² is equal to 15/2t − 5t². यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, जिसका जरा स्क्वायर कर लो और जो चीजें ऐड हो सकती है उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर दो। तो कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा t², इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, 15/2t, ठीक है जी। तो 5 में से कितना, 5t² कौन ले, 1 − 1/4 विल बी 3/4 इक्वल टू 15/2t। एक टी से एक टी को मार के खा जाओ, 5 × 15, 3 × 3 मारा, तो टी की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा जी, अब कहेंगे टी इक्वल टू कितना, 4 ही आ रहा है, देख लेना बेटा कहीं मुझसे, अच्छा 4 कहाँ, एक 2 ये भी तो रहा,
टू से टू, तो कैपिटल टी की वैल्यू आ जाएगी टू, कैपिटल टी आ गया टू, लेकिन मुझे क्या निकालना था स्मॉल टी नॉट, जिसमें जिस इंटरवल पूछा है, तो वो कितना हो जाएगा इस वाले टाइम का आधा है, इजंट इट इक्वेशन नंबर थर्ड से। आप कहेंगे हाँ सर टी बाई टू ही तो है, मतलब आपका टू अपॉन टू इक्वल टू वन सेकेंड, आधा सेकेंड मतलब इसका हाफ है, मतलब आपका एक सेकेंड। तो हमारा पहला पार्ट का आंसर निकल चुका है, कुछ बच्चे हो गए होंगे फ्रस्ट्रेट। अच्छा हो आप सारे हैं, कुछ की बच गई होगी बैंड, ये क्या हो गया हमारी जिंदगी में, प्रोजेक्टल में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकते हैं, सोचा नहीं था सर। तो आपका फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आ गया है वन सेकेंड, एक सेकेंड के बाद उनको फायर किया गया है, ठीक है बेटा, एक सेकेंड के बाद उनको फायर किया गया है, तो गैप इनके बीच में कितना है एक सेकेंड का, ठीक है। अगर आपसे पूछे जब आपको फायर किया गया था पहले वाला कब फायर किया, टी टाइम लगा पहले वाली उसको बुलेट को यहां से यहां तक जाने में, इसको लगे दो सेकेंड यहां तक जाने में, और इस वाली का लगा केवल एक सेकेंड, ऐसे ये भी पूछा जा सकता है आपसे। जो नीचे वाली आपकी ये थी गन, इसको लगेगा एक सेकंड में यहां तक पहुंचने, जिस जगह टकरा रहे हैं इसको लगेंगे दो सेकंड यहां तक पहुंचने। दूसरा पूछा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी टेकिंग टॉप ऑफ द हिल एज द ओरिजिन, अब तो आप कैलकुलेट कर सकते हो आपके पास दोनों चीजों की वैल्यूज है, एक्स कोऑर्डिनेट भी आपके पास है वाई कोऑर्डिनेट भी है, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट ये रहा आपका इक्वेशन नंबर वन जो थी, टी की वैल्यू है आपके पास, तो फाइव रूट इक्वेशन नंबर वन से ये देखो कितना जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, आप कहेंगे सर फाइव रूट थ्री बाय टू इंटू टी था, टी की वैल्यू टू आई है, टू से टू मर गया, कैपिटल टी की वैल्यू बता रहा हूं मैं, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई फाइव रूट थ्री, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट ये रहा सर जी वाई कोऑर्डिनेट, कोई सी इक्वेशन रख दो जिसमें आपको अच्छा लगे, जिस भी इक्वेशन आपको अच्छा लगे उसी में पटक दीजिए सर, इक्वेशन वन में इक्वेशन फाइव में जो उनसे आपको ठीक लगे। तो माइनस वाई इक्वल टू कितना है, माइनस वाई की या वाई की वैल्यू कह लो, जो भी आपको कहना, जो भी आपको एप्रोप्रिएट लगे, ठीक है। चिंता मिंटा आप कहेंगे हाँ सर जी ठीक है, चिंता मिंटा कितना जाएगी वाई की वैल्यू, माइनस जी वाई, हाँ तो कितना आ जाएगा वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट विल कम आउट टू बी माइनस का टेन बाई टू फाइव टी माइनस टी नॉट वन का स्क्वायर, यानी कि फाइव आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू माइनस फाइव, नेगेटिव साइन के साथ, रीजन समझ में आ गया होगा नेगेटिव का, तो बेटा कोऑर्डिनेट आ जाएंगे फाइव रूट थ्री एंड माइनस फाइव। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, लेंथी भी कह सकते हो, बट यू शुड नो कैसे क्वेश्चन कितने कहां तक पहुंचाए जा सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर पढ़ेंगे बाकी की क्लास, बाकी के न्यूमेरिकल्स करेंगे हम बेटा नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए क्लास करेंगे हम यहीं पर, एंड इसको नोट डाउन कर लीजिए।